कश्मीर के वीर सपूत औरंगजेब की शहादत को 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन औरंगजेब के कातिल अभी तक जिंदा है। सेना जहां अपने वीर सिपाही के हत्यारों की खोज में जुटी है, तो वहीं अब औरंगजेब की शहादत का बदला लेने के लिए औरंगजेब के गांव के 50 युवक विदेशों से नौकरियां छोड़कर वापस लौट आए। इन युवकों ने औरंगजेब की मौत का बदला लेने की सौगंध खा ली है। इन युवकों का दावा है कि अगर उन्हें हथियार थमा दिए जाए तो फिर घाटी में आतंकवादियों को छुपने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी। अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आपने अब तक कश्मीर में पत्थरबाजी की तस्वीरें देखी होंगी। कश्मीरी युवकों को सेना को निशाना बनाते हुए देखा होगा। मुंह पर कपड़ा बांधकर पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए देखा होगा। लेकिन अब कश्मीर में गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वतन परस्तों की फौज खड़ी हो गई है। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते। आतंक के गढ़ में बसे कश्मीर के पुंछ में सलानी गांव के युवकों की रगों में देशभक्ति दौड़ती है। इनके सीने में हिंदुस्तान बसता है। ये देश के लिए जीने और मरने का मादा रखते हैं। पुंछ के मेंढर सेक्टर में बसा सलानी वही गांव है जिसके वीर सपूत औरंगजेब की आतंकवादियों ने धोखे से हत्या कर दी थी। सलानी गांव और उसके बासिंदों की देशभक्ति की कहानी भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं सलानी गांव के 50 वतन परस्तों की वो सौगंध जो इन्हें हजारों किलोमीटर दूर से वापस अपनी धरती पर खींच लाई है। सलानी गांव की ये सभी युवक खाड़ी देशों में नौकरी करते थे, लेकिन बीती 14 जून को जब इन्हें सलानी गांव के सपूत और भारतीय सेना के जवान औरंगजेब की हत्या की खबर मिली तो इनका खून खोल उठा और आज इन युवकों के दिलों में बदले की ज्वाला धधक रही है। ये अपने भाई जैसे दोस्त की शहादत का बदला लेना चाहते हैं। जितने भी नौजवान हैं वो ये कहना चाहते हैं कि हमें एक औरंगजेब के नाम की भर्ती, उसके नाम पे भर्ती किया जाए ताकि हम सेना में जाएं, तो ताकि हम जो ऐसे जो धंधा फसाद करवा रहे हैं नौजवानों से, बच्चों से जो करवा रहे हैं, वो हम बंद करना चाहते हैं। कश्मीर के इन वतन परस्त युवकों के सीने में बदले की आग उसी दिन से जल रही है जब इन्हें अपने भाई जैसे दोस्त औरंगजेब की हत्या की खबर मिली। 14 जून को 44 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान औरंगजेब ईद के मौके पर छुट्टी लेकर अपने घर आ रहे थे, लेकिन पुलवामा में आतंकियों ने औरंगजेब को अगवा कर लिया और बाद में औरंगजेब का शव कुलगाम में मिला था। औरंगजेब की शहादत के बाद देश के रक्षा मंत्री से लेकर आर्मी चीफ तक सलानी गांव पहुंच गए थे। औरंगजेब को अंतिम विदाई देने के लिए गांव का बच्चा बच्चा घर से निकल आया था। शहीद औरंगजेब के पिता ने उसी वक्त सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था कि या तो सेना औरंगजेब के हथियारों का खात्मा करे वरना उन्हें खुद हथियार उठाना पड़ेगा।
रिक्वेस्ट है नरेंद्र मोदी साहब से और आर्मी क्वार्टर से कि बीच की लड़ाई ये ख़त्म करो, इसको सफाया करो। मेरा इतना कहना है, ये मेरे साथ नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के साथ। मैं अगर नरेंद्र मोदी हो तो मैं 72 घंटे की उनको बोले देता हूँ, नहीं तो हम खुद बदला लेने के लिए तैयार। शहीद औरंगजेब के पिता की इस पुकार पर कश्मीर से हजारों किलोमीटर दूर बसे सलानी गांव के युवकों ने एक सौगंध खाई। अरब देशों में नौकरी कर रहे सलानी गांव के युवकों ने कसम खाई कि वो औरंगजेब की शहादत का बदला लेंगे, वो उन आतंकवादियों का खात्मा करेंगे जिन्होंने औरंगजेब की हत्या की है। बस यहीं से वो सिलसिला शुरू हो गया जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। खाड़ी देशों में अलग अलग जगह बसे युवकों ने एक दूसरे से संपर्क किया और अपनी धरती से आतंकवाद के नासूर को नेस्तनाबूद करने के लिए वापस कश्मीर लौटने का फैसला किया। जब हमने औरंगजेब का सुना कि उसको मार दिया है तो हम शहीद हो गया, तो हम सुन के वैसे पूरे जितने भी थे हमारे गांव के लोग सऊदी में बहुत ज़्यादा थे, अभी आ भी गए हैं और आने भी वाले हैं, बहुत आ रहे हैं, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि हम देश के पीछे हम लड़ेंगे। आतंक की आग में जल रहे कश्मीर में वतन परस्तों की ये नई फौज आतंकवाद के रहनुमाओं को खुली चुनौती है। औरंगजेब की शहादत का बदला लेने के लिए करीब 50 युवक अलग अलग देशों से वापस सलानी गांव लौट रहे हैं। आतंकवादियों के खात्मे के लिए ये युवक सेना में भर्ती होना चाहते हैं। ये सभी युवक खाड़ी देशों में अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, लेकिन देशभक्ति का जुनून इन्हें वापस अपनी जड़ों की तरफ खींच लाया। इनकी मांग बस इतनी है कि सरकार इन्हें हथियार मुहैया करा दे, फिर आतंकवादियों को उनके बिलों में खत्म करने की जिम्मेदारी इनकी है। खाड़ी देशों से औरंगजेब का बदला लेने के लिए युवकों के वापस लौटने के बाद अब सलानी गांव और आसपास के युवक भी लामबंद होने लगे हैं। गांव के युवकों ने तो ये भी ऐलान कर दिया है कि चाहे जान चली जाए लेकिन वो जल्द श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे और जो उनके रास्ते में आएगा उसे नेस्तनाबूद कर देंगे। कुछ बंदों की कल परसों फ्लाइट हुई है, वो भी पहुंच गए हैं, तो परसों यहाँ कम से कम नौजवान इस पूरे गांव का, इस पूरे मेंढर का, जितना भी नौजवान लड़के थे खासकर जो सऊदी से आए थे वो सबसे पहले यहाँ पहुंचे हैं। परसों यहाँ पूरे नौजवान जितने भी थे इकट्ठे हो गए, इन्होंने बोला कि हम यहाँ से जुलूस की शक्ल में जाएंगे, मरना तो एक बार है क्योंकि अल्लाह के आगे हमने जान देनी है, जिसके सीने में सांस है वो एक दिन निकलनी है, अगर इसकी वजह से हम अपने भाई के पीछे अगर हम चले गए तो कोई हमें डर खौफ नहीं है। उन्होंने बोला परसों इधर पार्टी थी, उधर औरंगजेब भाई का दिन बनाया जा रहा था, उस दिन बोला उन्होंने हम झंडा हिंदुस्तान का लहराएंगे, अपना झंडा तिरंगा जाके लाल चौक में उधर लहराएंगे। और गांव वाले ही नहीं बल्कि शहीद औरंगजेब के परिवार वाले भी बदले की आग में जल रहे हैं। शहीद के परिवार का गुस्सा तब तक शांत नहीं होगा जब तक औरंगजेब का एक भी कातिल जिंदा है। औरंगजेब भैया को जिस तरह मारा, मैं भी उनको मारूंगा, बदला लूंगा अपने भाई का। मैं अकेला भी कश्मीर जाकर बदला लूंगा। अगर मैं 10th पास कर रहा हूँ, 10th के बाद मैं इंशाल्लाह कश्मीर जाकर एक सबको गर्ग में ढूंढ कर मारूंगा मिलिटेंटों को। शहीद औरंगजेब की हत्या के बाद से ही सलानी गांव सुलग रहा है। हर किसी की बस यही तमन्ना है कि वो औरंगजेब के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दे और ये बता दे कि कश्मीर की फिजाओं में देशभक्ति अभी जिंदा है। मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। औरंगजेब की शहादत के बाद जम्मू कश्मीर का छोटा सा गांव सलानी अचानक चर्चाओं में आ गया। आतंक से जूझ रहे कश्मीर में यह गांव देशभक्ति की एक मिसाल पेश करता है। इस गांव के हर घर में देशभक्ति पलती है। वतन परस्ती का ये जज्बा इस गांव के हर शख्स में कूट कूट कर भरा है। आतंकवादी तो इस गांव के आसपास भटकने तक की हिम्मत नहीं कर पाते।
कर चले हम पिता जान तन साथियों, हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये तस्वीर आज भी हमारे जहन में जिंदा होगी। 14 जून को शहीद हुए 44 राष्ट्रीय राइफल के जवान औरंगजेब को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा सलानी गांव सड़कों पर आ गया था। हर आंखों में आंसू थे, दिल में गुस्से का गुबार था और सभी की जुबां पर बस एक ही नाम था, शहीद औरंगजेब। अमर है, अमर है। शहीद औरंगजेब। अमर है, अमर है। शहीद औरंगजेब। अमर है, अमर है। शहीद औरंगजेब को विदाई देने के लिए उमड़ा जन सैलाब इस बात की गवाही देने के लिए काफी है कि आतंक के गढ़ में बसा ये गांव देश भक्तों का है। कश्मीर की वादियों में बसा सलानी गांव पुंछ जिले की मेंढर तहसील का छोटा सा गांव है। सलानी गांव में करीब 200 घर हैं। आतंक के गढ़ में बसा सलानी गांव भले ही कश्मीर के नक्शे पर बेहद छोटा सा गांव हो, लेकिन इस गांव की देशभक्ति के चर्चे श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक होते हैं। इस गांव का एक एक व्यक्ति हिंदुस्तान के लिए जीता है और हिंदुस्तान के लिए ही जान देने के लिए तैयार रहता है। सलानी गांव के 80% घरों में सैनिक हैं। गांव के हर घर से एक फौजी निकलता है। सलानी गांव के युवक सुरक्षा बलों में जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में तैनात हैं। एक वक्त था जब सलानी गांव के करीब गस्सब लाड़ी बाउल को आतंकियों ने अपना गढ़ बना लिया था। आतंकवादी खुलेआम इलाके में घूमते थे, लेकिन सलानी गांव ने तब भी देशभक्ति की राह नहीं छोड़ी। गांव के सैकड़ों युवकों ने एसपीओ बनकर क्षेत्र से आतंकवादियों के सफाए में बेहद अहम भूमिका निभाई। यह सलानी गांव के युवाओं की देशभक्ति का ही जज्बा है कि आज कस्सब लाड़ी में आतंकियों का नाम लेने वाला कोई नहीं। हिमालय की गोद में बसे इस छोटे से गांव के युवकों में आज भी देशभक्ति की जोश और उसका जुनून कम नहीं हुआ है। सलानी गांव के नौजवान सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ और पुलिस में भर्ती में सबसे आगे रहते हैं। आतंकवादी इस गांव के आसपास भटकने से भी थर्राते हैं। शहीद औरंगजेब के परिवार की तो पहचान ही हिंदुस्तान की सेना से है। मानो ये परिवार देश के लिए जीता और देश के लिए मरता है। औरंगजेब के पिता मोहम्मद हनीफ सेना से रिटायर हो चुके हैं। औरंगजेब के चाचा भी सेना में सेवाएं दे चुके हैं। औरंगजेब का बड़ा भाई भी सेना में है। औरंगजेब के परिवार से एक दर्जन युवक फौज में सेवाएं दे रहे हैं। शहीद औरंगजेब की तरह 14 साल पहले ही उनका परिवार आतंकवादियों का निशाना बन चुका है। 14 साल पहले आतंकवादियों ने सलानी गांव में देशभक्ति के जुनून को थामने के लिए शहीद औरंगजेब के चाचा की भी अगवा कर हत्या कर दी थी। लेकिन आतंकवादियों की इस कारायना करतूत से सलानी गांव न पहले डरा था न आज डरा है। सलानी गांव का एक एक युवक आज भी वतन परस्ती के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। लोगों के दिलों में आज भी देशभक्ति का जुनून और जज्बा वैसा ही है जैसा दशकों पहले था। आतंक का खौफ इन्हें छू भी नहीं पाया है, लेकिन आतंकवादियों ने सलानी गांव के एक औरंगजेब को शहीद कर गांव के युवाओं के खून को ललकारा है, जिसका करारा जवाब भी दहशतगर्दों को जरूर मिलेगा। पुंछ से रमेश बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।